We're at the site of the Dalit protest in Delhi's Jantar Mantar. The protest is over the Saharanpur riots that took place on the 5th of May and the following ensuing clashes on the 9th of May. Joining us now is Dalit leader from Gujarat, Jignesh Mewani, as well as former JNUSU president Kanhaiya Kumar. Jignesh Kanhaiya, what brings you here today? Aap idhar aaj kyun aaye ho? Dekhiye, jis tarah se Modi ji ke pradhanmantri banne ke baad aur Yogi Adityanath ke Uttar Pradesh ke CM banne ke baad ये साफ तौर पे देख रहा है कि मुसलमान और दलितों के उत्पीड़न की वारदातें बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूं तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तब एट्रोसिटीज की वारदातें जो उसका जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखे 39,000 हुई थी जो एक साल में 47,000 तक पहुंच गई। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सबका साथ सबका विकास का नहीं दलितों के उत्पीड़न और दलितों के विनाश का मॉडल बन चुका है। मैं सहारनपुर भी जाके आया साथ ही शैला रसीद के साथ रजा हैदर भी थे तो हम लोगों ने देखा कि 60 से करीब दलितों के मकान जला दिए गए एक गर्भवती दलित बहन के ऊपर तलवारों से प्रहार किया गया एक छोटे से मासूम बच्चे को आग में झोंकने की कोशिश की गई। तो जिस बर्बरता से इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी या योगी आदित्यनाथ कोई अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि बिल्कुल वो संविधान को तोड़ मरोड़ कर मनुस्मृति को लागू करने के ऊपर तुले हुए हैं। नहीं, आपका क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जब एक माहौल है खास करके जो शोषित तबके के लोग हैं उनके ऊपर एक अघोषित युद्ध की घोषणा की जा चुकी है और बार बार उनके साथ वायलेंस किया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार बढ़ा है। आप देखिए, चाहे वो ऊना की घटना हो, चाहे वो सहारनपुर की घटना हो, या अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से रोहित वेमुला के साथ हुआ, जिस तरीके से डेल्टा मेघवाल के साथ हुआ, जिस तरीके से मुथु कृष्णन के साथ हुआ, हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो दलित आदिवासी हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और जो गरीब जनता है इस देश की, चाहे उसमें किसान हो या सीमा पे लड़ने वाले जवान हो, उनको आज हिंसा की आग में झोंक दिया गया है। हम समझते हैं यहाँ पे हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। देश के अंदर ये अघोषित युद्ध बंद होना चाहिए, यह हिंसा रुकनी चाहिए और संविधान के हिसाब से सबको जो बराबरी का हक मिला है वो बराबरी के हक को अक्षुण्ण रखा जाए, उस पर कोई हमला बर्दाश्त न की जाए। पर जिग्नेश और कन्हैया, आई वेंट टू सहारनपुर लास्ट वीक एंड ऑन द 5th ऑफ मे व्हाइल दलित होम्स वर टॉर्च्ड इन द वायलेंस इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ऑन द 9th ऑफ मे देयर वर क्लैशेस बिटवीन द दलित्स एंड द पुलिस। दलितों और पुलिस के बीच में दंगे हुए, उसमें एक पुलिस चौकी जलाया गया, काफी सारे व्हीकल जलाया गया, एक महाराणा प्रताप की मेमोरियल साइट जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वो भी जलाया गया। उसके पीछे पुलिस कह रहा है कि ये पूरे जो दंगा भीम आर्मी ने करवाया था, तो आपको लगता है कि भीम आर्मी ने भी कहीं ना कहीं वायलेंस को अपनाया है? देखिए, हम तो साफ तौर पे ऐसा मानते हैं कि हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए, लेकिन भीम आर्मी ने हिंसा का रास्ता अपनाया ऐसा किस बुनियाद पे पुलिस कह रही है? वो तो भीम आर्मी के सामने और भी गलत तरह के एलिगेशन कर रही थे। मैं नहीं मानता उसमें कुछ तथ्य हो। सबसे समझने लायक बात यह है कि 5 मई के दिन सुबह जब ये ठाकुर समाज के लोग और मंदिर को घेर कर बैठे थे, दलितों को तलवार दिखा रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उस वक्त में पुलिस मौजूद थी। तो यदि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो दलितों के मकान नहीं जलाए जाते, ये पूरी वारदात को अवॉइड किया जा सकता था। तो पुलिस और प्रशासन की विफलता है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। और हम तो ऐसा भी कहेंगे यदि स्टेट में और देश में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता तो किसी को आर्मी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती। और दूसरा बात कि जब पुलिस ने उन लोगों को पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए भी परमिशन नहीं दिया और पुलिस ने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, तब जाके ये पूरा मामला बिछका है। पर जिग्नेश, देखिए, कन्हैया जिग्नेश कह रहा है कि पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था और फिर जो भी हुआ हुआ ठाकुर रैली के लिए, पर 9 तारीख को दलित महापंचायत के लिए भी परमिशन नहीं था और उसके बाद दलित और पुलिस के बीच में क्लैशेस हुआ। तो इन द वे दैट यू आर कंडेमिंग द वायलेंस ऑफ द ठाकुर्स ऑन द 5th ऑफ मे, विल यू ऑल्सो कंडेम द वायलेंस डन बाय द दलित्स ऑन द 9th ऑफ मे? देखिए, मैं बार बार इस पे स्पष्ट तरीके से कहा है कि मैंने सरकार को, स्टेट को, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ऑब्जेक्टिवली काम करना चाहिए। ये जो बाइसनेस है उस बाइसनेस के चलते क्या होता है कि स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है और जहां भी स्टेट मशीनरी फेल होता है वहां वायलेंस होता है। और इसका एक सीधा सुधा उदाहरण जो है आपको पूरे देश के अंदर दिखेगा कि स्टेट मशीनरी कहीं ना कहीं जस्टिस को डिलीवर करने में फेल हो रही है। वो जो है बाइस्ड है, उसके अंदर जो है एक भेदभाव की नीति है, एक खास कम्युनिटी के खिलाफ उसकी जो है मंशा रहती है और एक खास कम्युनिटी को अपना समर्थन देना चाहती है। जब तक इसमें
ये स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर नहीं करेगी, इस तरीके का वायलेंस और काउंटर वायलेंस की स्थिति रहेगी। मैं समझता हूँ कि एट्रोसिटीज को जो रोकना है यदि, तो आपको जस्टिस डिलीवर करना पड़ेगा। आज 21 तारीख है और आप जानते हैं कि भगाना के अंदर जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ उसके इतने साल हो गए और जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ है। और जब जस्टिस डिलीवर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो जनता जो प्रताड़ित होती है, जिसके साथ इनजस्टिस होता है, वो एक जो है वल्नरेबल सिचुएशन में जाती है, इम्पेशेंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेट का पूरी तरह से फेलियर है और इस वायलेंस को रोकने के लिए जरूरी है कि स्टेट मैकेनिज्म ठीक से काम करे। और हम लोग बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि हम वायलेंस और काउंटर वायलेंस के समर्थक नहीं है। वी आर प्रो पीपल पीपल, हम लोग जो है जस्टिस चाहते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के पीछे जो सहारनपुर में हुआ कोई राजनीतिक हाथ है? देखिए, राजनीतिक हाथ से ज्यादा मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार और उसकी जो मशीनरी है उसका ये फेलियर है। और विचारधारा के तौर पे मेरा मानना है कि मनुवाद जो है इस समाज के अंदर, जो जातिवादी व्यवस्था है, वो लगातार समाज को तोड़ने में, इसके विभाजन में अपनी भूमिका निभा रही है। What about you? Do you think that there's a political hand behind the violence that took place in Saharanpur? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले उत्तर गुजरात के पाटन जिले में एक वडावली गाँव है, वहाँ पर भी 100 मुसलमानों के घर जला दिए गए। यहाँ पर शब्बीरपुर गार सहारनपुर में भी 60 के करीब दलितों के घर जला दिए गए। 20 अप्रैल को सहारनपुर में भी हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे हुए। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं संघ परिवार और बीजेपी का जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है उसको ठोकने के लिए, उसको इम्पोज करने का उनका जो डेस्परेशन है, उसके डेस्परेशन के चलते ये वारदातें हो रही है। पर जिग्नेश, लोकल जो ठाकुर से मैंने बात किया जब मैं सहारनपुर गया, लोकल ठाकुर कह रहा है जैसे भाजपा के पास बजरंग दल है, आज बसपा के पास भीम आर्मी है। देखिए, भीम आर्मी का आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है, पॉलिटिकली किसके साथ वो अफिलिएटेड है, मुझे मालूम नहीं। वो शायद आने वाले दिनों में हम लोग ज्यादा संपर्क में आए तो पता चलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में दलित अपने मोहल्ले में रविदास मंदिर में अंबेडकर का स्टेच्यू क्यों नहीं लगा सकते, रूल ऑफ लॉ क्यों प्रिवेल नहीं करता है? और यदि जब ठाकुर लोग तलवारें दिखाकर दलितों के ऊपर प्रताड़ित कर रहे थे, उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, तब पुलिस मौजूद थी। उस पुलिस ने एट्रोसिटी के कानून के प्रोविजन के मुताबिक प्रिवेंटिव मेजर्स लिए होते, एडिक्वेट स्टेप्स लिए होते, तो घर जलाए नहीं जाते। कन्हैया, जिग्नेश, लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, इफ यू हैव वन मैसेज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट वुड दैट वन मैसेज बी? देखिए, सिंपल सी बात है कि राज्य सरकारों को संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए। हम जब कहते हैं संविधान की बात, इसकी प्रस्तावना वी द पीपल से शुरू होता है। इसमें तमाम जाति के लोग हैं, उनके साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और किसी भी तरह का वायलेंस जो सोसाइटी के अंदर शांति को भंग करता है, हम लोगों से अपील करते हैं कि उसका हम समर्थन ना करें। लेकिन जो जस्टिस का सवाल है उसको हमको हर हाल में इंश्योर करना पड़ेगा और ये राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेवारी है। अनबायस तरीके से उनको जस्टिस इंश्योर करना चाहिए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ करके उनपे ऊपर जो है रूल ऑफ लॉ के तहत जो मामला बनता है वो कार्रवाई करें, और जो लोग विक्टिम हैं उनका जल्द से जल्द जो है पुनर्वास किया जाए, रिहैबिलिटेशन किया जाए। योगी सरकार से आपका मांग? बिल्कुल यही मांगे कि तुरंत इसकी जुडिशियल जांच हो, या तो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, एक एसआईटी का गठन हो, एक ऐसी एसआईटी का गठन हो जिसमें एक ऑफिसर का नाम विक्टिम के फैमिलीज दे, उसका जो ट्रायल है वो एट्रोसिटी के कानून में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक स्पेशल कोर्ट में चले। और जैसा कि साथी कन्हैया बता रहे, हर कीमत पे न्याय मिलना चाहिए। भगाना के विक्टिम्स को भी न्याय नहीं मिला, ऊना के विक्टिम्स को भी न्याय मिला कि नहीं मालूम नहीं। तो दलितों में दिन प्रतिदिन की जो फीलिंग एक्यूमुलेट हो रही है कि इस व्यवस्था में हमारी न्याय क्यों नहीं है, तब जाके उनको फ्रस्ट्रेशन, उनको एग्रेसिवली मिलिटेंटली सड़कों पर बाहर लाने के लिए उनके ऊपर एक तरह से दबाव बढ़ता है। तो रूल ऑफ लॉ लागू हो, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो और दलितों को जस्टिस मिले। और यदि योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार इसी तरह की कारनामे को अंजाम देती रहेगी तो हम लोगों को यह कहना पड़ेगा कि हमारे लिए सबके साथ सबके विकास का मॉडल नहीं, ये दलितों के उत्पीड़न और दलितों के विनाश का मॉडल है। There you heard it, very strong statements coming in from a Dalit leader from Gujarat, Jignesh Mewani, who went to Saharanpur recently to see for himself firsthand the situation on the ground there. Joining him, Kanhaiya Kumar, former JNUSU president. Both of them, their message loud and clear that the Yogi Adityanath administration in UP must take up the matter and ensure that the probes that take place happen in an unbiased manner. Jignesh Mewani also calling for a judicial probe. At Delhi's Jandar Mandir, the protest continues with hundreds and thousands rather of Dalits gathered here from across Uttar Pradesh and a few other neighboring states.
in protest of the violence that took place in Saharanpur and what they call atrocities against the lower castes. Masks of Chandrasekhar Azad, the founder of the Bhim Army, caps of the Bhim Army everywhere here. That's all from me on this Facebook Live on the Quint. Continue catching our extensive coverage of the Saharanpur riots and the fallout of the violence that continues to engulf not just the region, but also New Delhi today.